जय हिंद साथियों, आज हम लेकर आए हैं कमाला धमाल मालामाल ट्रिक, शर्ट्स एंड इंडिसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे शर्ट्स एंड इंडिसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट, देखेंगे घातांक और करने का बेसिक कॉन्सेप्ट, घातांक और करने का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और घातांक और करने का प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग प्रत्येक टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग करते हैं। सर जी, शर्ट्स एंड इंडिसेस, तो शर्ट्स एंड इंडिसेस जो है आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर सी एस एस सी सीजीएल जो भी एग्जाम है वगैरह वगैरह, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए हम लोग देखते हैं शर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करने। क्या देखते हैं, घातांक और करने, शर्ट्स एंड इंडिसेस, है ना, घातांक और करने। सबसे पहले क्या देखेंगे, घातांक और करने में सबसे पहले हम लोग घातांक और करने होता क्या उसको पहले समझेंगे। तो कहीं पर लिखा हुआ, अगर आपसे समझ लीजिए, कहीं पर अगर लिखा हुआ 3 के पावर 4, 3 की पावर 4, तो ये 4 जो आप देख रहे हैं ना, 4 को बोलेंगे सर जी घात, और 3 को क्या बोलेंगे, घातांक बोलेंगे। 3 को क्या बोलेंगे, घातांक, यानी कि 4 को घात बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे, घातांक। घात मतलब क्या होता है, पावर। घात मतलब पावर। 4 को इस पावर, घात को आप लोग क्या बोलेंगे, पावर, और घातांक को क्या बोलेंगे सर जी, बेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपने अभी सीखा कि शर्ट्स एंड इंडिसेस में सबसे पहले अगर पावर के रूप में लिखा हुआ रहे क्वेश्चंस, तो 3 के पावर 4 है, इसका मतलब 4 क्या होगा, घात होगा। 4 क्या होगा, घात होगा, और 3 क्या होगा, घातांक होगा। 4 घात होगा, 3 क्या होगा, घातांक होगा। तो ये इसमें आपको ध्यान में रखिएगा। तो ये होता है सर जी घातांक। अब बात उठता है कि घातांक आप पहचान गए, कहीं पर आपको लिखा हुआ रहे, कहीं पर लिखा हुआ रहे कि ऐसा लिखा हुआ रहे एन रूट एक्स के पावर एन, ऐसा लिखा हुआ रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर जी पावर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक, घात बोलते हैं, पावर मतलब घात। और इसको जो होता है ना सर जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, रूट्स बोलते हैं। इसको हम लोग रूट्स बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पावर, पावर मतलब घात। इसको हम लोग पावर बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। अब थोड़ा सा समझिए इसको कंसेप्ट, अगर कहीं पर भी लिखा हुआ रह जाए, अगर कहीं पर लिख जाए, अब सोचते हैं कि घात घातांक में हम लोग जोड़ घटाव कैसे करते हैं, गुणा भाग कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे सर जी, सीखेंगे कि जोड़ घटाव कैसे करेंगे, गुणा भाग कैसे करेंगे, जनरली इसी के हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो कहीं पर अगर आपको लिखा हुआ रह जाए, पहला कंडीशन कि अगर एक्स के पावर ए जोड़ वाई के पावर बी, एक्स के पावर ए जोड़ वाई के पावर बी को अगर जोड़ना है, अगर जोड़ना है सर जी, तो कुछ नहीं करिएगा, एक्स के पावर ए जोड़ क्या होगा, वाई के पावर बी होगा, जस के तस, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। घातांक में अगर पावर डिफरेंट है, घातांक में आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि घात घातांक और करने में, घातांक और करने में अगर ऐसा सवाल अगर आ जाए, तो आप चुटकी में बना दीजिएगा सर जी। यहाँ से आप पहले कंसेप्ट याद रखिए, अगर अगर आपको जोड़ और ये घटाव में, ठीक है, अगर आपका पावर भी डिफरेंट है और बेस भी डिफरेंट हो, पावर भी डिफरेंट हो, बेस भी डिफरेंट हो, तो क्या करेंगे सर जी, उसका जोड़ जो है जस का तस हो जाएगा। अगर पावर डिफरेंट और बेस डिफरेंट, तो उसका जोड़ जस के तस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि पावर ए है, यहाँ पावर बी है, डिफरेंट है कि नहीं, एक पावर ए है और एक पावर क्या है, बी है, यानी कि पावर डिफरेंट है तो बेस भी क्या है सर जी, डिफरेंट है। यहाँ एक है, तो यहाँ क्या है, बाई है। अगर बेस डिफरेंट और पावर डिफरेंट, तो जोड़ आपका जस के तस रह जाएगा सर जी, जुटेगा नहीं, जस के तस लिखा गया। अब हम लोग घटाव में देखते हैं कि घटाव में क्या होता है। अगर दूसरा कंडीशन हम घटाव में देखते हैं, तो घटाव में चले देखते हैं, कहीं पर आपसे कह दिया कि एक्स के पावर ए माइनस वाई के पावर बी अगर घटाना है, तो घटाइएगा तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर जी, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये भी हो जाएगा एक्स के पावर ए माइनस क्या हो जाएगा, वाई के पावर बी। अब कोई कहेगा नहीं, हमने जोड़ा या तो घटाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, गुना करके देखते हैं। तो तीसरा कंडीशन वो सर जी कि एक्स के पावर ए गुने वाई के पावर बी, तो ये वही कंडीशन हो गया, है ना, एक्स के पावर ए गुने वाई के पावर बी, ये गुना भी नहीं होगा सर जी। गुना कब होता, जब बेस या पावर एक चीज़ तो सेम होना चाहिए ना, तब ना गुना होगा, इसमें गुना भी नहीं होगा। किसी ने कहा नहीं, हम भाग दे के देखते हैं, हम भाग दे के देखते हैं, एक्स के पावर ए भागे वाई के पावर बी, जब भाग भी दिया ना सर जी, तो इसमें कोई डिफरेंट, इसमें जो कोई मतलब कोई इसमें जो है चेंज नहीं आया, भाग में भी कोई चेंज नहीं आया और जोड़ में भी कोई चेंज नहीं आया सर जी। अब इसको थोड़ा सा इसमें जो है जनरलाइज करके आप लिख सकते हैं, जिसको लिखना होगा लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं सर जी। पहला कंडीशन क्या है कि अगर एक्स के पावर ए जोड़, अगर एक्स के पावर ए जोड़ वाई के पावर बी, तो एक्स के पावर ए जोड़ क्या होगा, वाई के पावर बी होगा। दूसरा कंडीशन है कि एक्स के पावर ए माइनस वाई के पावर बी इक्वल टू एक्स के पावर ए माइनस वाई के पावर क्या होगा, बी होगा। तीसरा कंडीशन है कि एक्स के पावर ए गुने वाई के पावर बी इक्वल टू एक्स के पावर ए गुने वाई के पावर बी होगा।
चौथा कंडीशन है सर जी कि एक्स के पावर ए भागे वाई के पावर बी बराबर एक्स के पावर ए भागे वाई के पावर बी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स के पावर ए भागे वाई के पावर बी ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पावर सेम रहता ना सर जी तो होल हम दे देते, क्या देते हैं होल। अगर यहाँ पावर सेम रहता तो हम लोग होल करके लिख देते, क्या कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर जी। यहाँ अगर पावर रहता सेम तो हम होल करके लिख देते। तो ये केस नंबर पहला है, इसको लिखेगा केस नंबर फर्स्ट। क्या लिखें? केस नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्या किए, अभी क्या देखें कि हमने जोड़ा या घटाया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसमें क्या था कि पावर भी डिफरेंट था और बेस भी डिफरेंट था, पावर भी डिफरेंट था और बेस भी डिफरेंट था। लेकिन अगर हम क्या करें, अब अगला क्या करेंगे, पावर को सेम करेंगे और बेस को डिफरेंट रखेंगे, पावर को सेम करेंगे बेस को डिफरेंट रखेंगे, तो देखेंगे कि रिजल्ट में क्या परिवर्तन होता है, क्या आता है सर जी। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कुछ करने का काम करते हैं। केस टू देखिए इसमें देखिएगा सर जी। केस टू क्या कहता, पहला कंडीशन क्या करता है सबसे पहले समझिए। पहला कंडीशन कहता है आप क्या करिए, कुछ मत करिए। सबसे पहले x के पावर a और जोड़ वाई के पावर b बराबर x के पावर a जोड़ वाई के पावर b। ध्यान दीजिए, जोड़ में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जोड़ में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा सर जी। अगर पावर सेम रहे बेस डिफरेंट रहे तो जोड़ में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आप दिमाग में आप सेट कर लीजिए, बैठा लीजिए, है ना, कभी भुलाइएगा ना, जिंदगी भर नहीं भुलाइएगा। एक्स के पावर ए जोड़ बाई के पावर बी इजकल टू एक्स के पावर ए जोड़ बाई के पावर बी, यानी कि जोड़ में कभी भी सेम नहीं होता। कब? जब पावर सेम और बेस डिफरेंट हो। पावर सेम बेस डिफरेंट हो जोड़ में कोई परिवर्तन नहीं होगा सर जी। घटाव में देखते हैं क्या होता है, तो घटाव में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा सर जी। एक्स के पावर ए माइनस बाई के पावर बी इजकल टू क्या होगा, एक्स के पावर ए माइनस बाई के पावर बी। जब जोड़ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो घटाव में कोई परिवर्तन होगा नहीं, जब जोड़ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो घटाव में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा सर जी। लेकिन अब मल्टीप्लाई में देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। कहीं पर लिखा हुआ सवाल सर जी कि एक्स के पावर ए मल्टीप्लाई वाई के पावर ए, सॉरी यहाँ पर पावर सेम कर दीजिएगा, सॉरी यहाँ पर पावर आप ए कर दीजिए सर जी, ठीक है। चलिए इसमें हम इसमें थोड़ा सा चेंज होगा सर जी, इसमें आपको चेंज दिखने के लिए मिलेगा। आप दिमाग में एकदम बैठा कर रखिए, एकदम पूरा ध्यान आपको बोर्ड पर रहना चाहिए सर जी, पूरा ध्यान आपको व्हाइट बोर्ड पर रहना चाहिए, एकदम दिमाग यहाँ बैठा कर रखिए। एक्स पावर ए जोड़ बाई के पावर बी है तो क्या करेंगे सर जी, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे एक्स बाई एक्स गुने बाई, या फिर क्या करेंगे एक्स इंटू वाई, इंटू का मतलब वही होता है, और होल पावर में क्या कर देंगे सर जी, ए कर देंगे होल पावर में। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, परिवर्तन देखने के लिए मिला कि नहीं, हमने क्या क्या इसको होल पावर दे दिया, गुना परिवर्तन हुआ। अगर भाग में कहें तो भाग में भी परिवर्तन हो सकता है। देखिए एक्स के पावर ए भागे वाई के पावर बी है, सॉरी एक्स के पावर ए भागे क्या है, वाई के पावर ए है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स बाई एक्स बटे वाई के होल पावर ए, है या ना, लिख सकते हैं ना एक्स बटे वाई के पावर होल पावर ए। क्या भागा में परिवर्तन हुआ, गुना में परिवर्तन हुआ, कब, जब बेस सेम किए तब। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे सर जी, बेस सेम करेंगे और पावर डिफरेंट रखेंगे। अभी अभी हमने क्या किया कि सब में देखा सर जी, कहाँ गया, सॉरी यहाँ पर ये कर दीजिए, ओ माई गॉड, यहाँ पर ये रखिए, पावर सेम किया तो जोड़ और घटाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ सर जी, लेकिन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, होल पावर ए हो गया, डिवाइड में चेंज हुआ, होल पावर ए हो गया, है ना, होल पावर ए हो गया सर जी। तो मल्टीप्लाई में चेंज हुआ और डिवाइड में चेंज हुआ, लेकिन जोड़ और घटाव एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो कंडीशन हो रहा है सर जी वो सेम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना, कहीं भी चूकना नहीं है, एक एक कंसेप्ट भी कहीं पर भी नहीं चूकना है सर जी। अब देखते हैं केस नंबर सेकेंड था, अब केस नंबर क्या करेंगे सर जी, थर्ड लेंगे। अब लेंगे सर जी केस नंबर क्या लेंगे, थर्ड केस नंबर हम लोग थर्ड लेते हैं, ठीक। केस नंबर जब थर्ड लेंगे तो क्या होगा उसको समझिएगा थोड़ा सा। केस नंबर थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, एक्स के पावर ए जोड़ एक्स के पावर बी, इसको जब जोड़ेंगे सर जी, एक्स के पावर ए जोड़ एक्स के पावर बी, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक्स के पावर ए जोड़ क्या होगा, एक्स के पावर बी हो जाएगा, ठीक है। तो घटाव में भी वही होगा, एक्स के पावर ए और एक्स के पावर बी, एक्स के पावर बी, तो क्या होगा एक्स के पावर ए माइनस क्या हो जाएगा, एक्स के पावर बी। अब गुना करके देखेंगे सर जी, तो गुना भी क्या होगा, एक्स के पावर ए गुने एक्स के पावर बी, इसी को लिख सकते हैं सर जी। बेस सेम है तो पावर क्या होगा सर जी, जुड़ जाएगा, बेस सेम रहे पावर जोड़ देना, बेस सेम रहे पावर जोड़ देना, बेस सेम रहे पावर जोड़ देना सर जी। यहाँ देख रहे हैं बेस वन बेस एक्स पावर जुड़ जाएगा, कितना हो गुना में रहे ना, कितना हो रहे सबको जोड़ देना है। किसी ने आपसे कह दिया जाए कि एक्स के पावर ए
गुने एक्स के पावर बी गुने एक्स के पावर सी गुने एक्स के पावर डी ऐसा करें सर, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, एक प्लस बी प्लस सी प्लस क्या कर देंगे डी। हाँ कोई फर्क, बहुत सिंपल है सर जी, सिंपल। आप ध्यान से तो देखिए, एक्स के पावर ए जोड़ बी जोड़ क्या कर देना है सी, एक्स पावर ए जोड़ बी जोड़ क्या कर देना है सर जी सी, ध्यान में रखिए सबसे पहले। अब मान लीजिए ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, अगर भागम में रहेगा तो क्या करेंगे सर जी, मान लीजिए कि यही प्रश्न आपको भागम दे दिया जाए कि एक्स पावर ए भागे एक्स पावर बी ऐसा दे दिया जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल कंडीशन है, बेस सेम है, पावर को क्या करेंगे सर जी घटा देंगे, बेस सेम है पावर को घटा देंगे, बेस सेम रहे पावर को घटा देंगे, बेस सेम रहे पावर को घटा देंगे, किसका नियम है सर जी, घटांक का नियम है, बेस सेम रहेगा पावर को घटा देंगे। ये केस नंबर थर्ड था सर। अब केस नंबर फोर, अगर बेस पावर दोनों अगर सेम कर दें तो कंडीशन क्या होगा, उसमें भी देखना पड़ेगा ना सर जी। अगर बेस पावर दोनों सेम कर दें तो क्या होगा, अगर हमने कहा सर जी कि बेस पावर दोनों सेम कर दीजिए, बेस और पावर दोनों सेम कर दीजिए, एक्स के पावर ए जोड़ एक्स के पावर ए दोनों सेम कर दिए तो क्या होगा सर जी, टू एक्स के पावर ए, टू एक्स के पावर क्या आ गया। देखिए अब जब बेस और पावर दोनों सेम किए तो रिजल्ट में परिवर्तन आ रहा है सर जी, बेस और पावर दोनों चेंज किए ना तो रिजल्ट में परिवर्तन, बेस और पावर दोनों चेंज करने के बाद सेम करने के बाद रिजल्ट में परिवर्तन आ रहा है, जोड़ में भी परिवर्तन हो गया, एक्स एक्स टू एक्स के पावर ए हो गया। अब यहाँ पर देखिए सर, दूसरा कंडीशन एक्स के पावर ए माइनस एक्स के पावर ए, तो यहाँ पर क्या होगा सर जी, ये घटंत होगा, क्या होगा, घटेगा घटेगा, ये घट के सर जी जीरो आ जाएगा, क्योंकि सेम है घटेगा तो जीरो होगा ना। अब तीसरा कंडीशन लाइए सर जी, एक्स के पावर ए गुने एक्स के पावर ए, ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे सर जी, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे मतलब एक्स के पावर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। चौथा कंडीशन है भाग देंगे, एक्स के पावर ए जोड़ भागे बाई के पावर ए, तो क्या करेंगे सर जी, पावर को घटा देंगे, ए माइनस ए क्या कर देंगे, जीरो हो जाएगा, मतलब एक्स के पावर क्या हो जाएगा, जीरो। और किसी भी संख्या के पावर जीरो होता है सर जी वन, किसी भी संख्या के पावर जीरो है ना वन होता है, किसी ने कह दिया सर जी थ्री की पावर जीरो उसका आंसर क्या होगा वन, किसी ने कह दिया जाए बाई की पावर जीरो उसका आंसर वन, किसी ने कह दिया जाए एक हज़ार के पावर जीरो उसका आंसर क्या होगा सर जी वन। ये आप दिमाग दिमाग में आप रखिएगा सर जी, किसी के पावर जीरो रहे उसका रिजल्ट क्या होगा, ओनली फॉर वन होगा, किसी के पावर जीरो रहे उसका रिजल्ट क्या होगा सर जी, ओनली फॉर वन होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा सर जी है ना। तो एक केस आपका चौथा था, चलिए।